अमाइन सेक्टर का यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड्स में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन बेसिस पर है, लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्यों है? सवाल कह रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट क्या बना उसका नाम भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, एसिड बेस किसे कहा गया है? तो देख रहे हो, ये HCl हमारा एसिड है, HCl हमारा एसिड है, और ये अमाइन है। अमाइन में बेसिक नेचर होता है, ये आप जानते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इस कारण से ये लुईस बेस की तरह काम करता है। ये इसी कारण से बेसिक है, तो रिएक्शन भी यहीं पर होगा। क्या होगा? सबसे पहले ये जो HCl टूटेगा, तो ये H प्लस Cl माइनस के रूप में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस के रूप में टूटेगा, और तुरंत ही ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया जाएगा। किसको? H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यही तो हुआ, ये लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेस बेस हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन जो हुआ वो हमारा ये H प्लस ये गेन करके ये पूरा होल, यहाँ NH3 होल प्लस बन जाएगा और बगल में ये Cl माइनस आ जाएगा, तो हमारा ये सॉल्ट बन गया। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो CH3, CH2, CH2, ये NH3 हो जाएगा, और इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पर Cl माइनस। आप इसको कैपिटल ब्रैकेट में घेर भी सकते हो। ये हमारा बना, और सेम यहाँ पर देखो, ये टर्सरी अमाइन है, यहाँ पर C2H5, C2H5 होल 3, यहाँ पर N, और ये H आ जाएगा N के पास, यहाँ प्लस, और ये Cl माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात एक बात और है कि नॉमेनक्लेचर की बात। अच्छा, एक बात और, अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए एग्जाम में, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जो जो मोर बेसिक होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन, यहाँ पर अगर टर्सरी अमाइन को देखा जाए, तो टर्सरी अमाइन हमारा प्राइमरी अमाइन से ज्यादा बेसिक होता है, जिस कारण से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ नाम की बात देख लो, यहाँ पर तो ये हमारा नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन था, या नॉर्मल प्रोपेनामीन था। अब ये बन गया नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन का एक सॉल्ट बन गया, है ना। तो यहां पर हो गया अमाइन से अमोनियम बन जाता है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। अमाइन से अमोनियम बन गया, तो एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। और यहां पर देखो क्या है, ये टर्सरी है, टर्सरी अमाइन है, इसका नाम क्या लिखोगे? ट्राई इथाइल। ये रेडिकल क्या है हमारा? ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये अमाइन है, तो अमाइन से अमोनियम बन गया। अब पीछे में क्या लगा हुआ है? तीन इथाइल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आईयूपीएससी नेम भी हो गया, कॉमन नेम आईपीसी, जो भी को एग्जाम में सब चलता है, नाम लिखने तुमको दे देगा। तो नेमिंग भी कर दिया हमने, और रिएक्शन किस तरह से हुआ वो भी आपको दिखा दिया। तो रिएक्शन में बेसिकली यही ख्याल रखना है कि हमारा अमाइन बेसिक है, सामने वाला एसिड है, तो रिएक्शन जब भी होगा तो अमाइन के नाइट्रोजन एटम से लोन पे डोनेट होगा, किसको? एसिड को। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो डाउट होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताओगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।